इंडियन नेवी से बचना अब हो चुका है नामुमकिन। इंडियन नेवी के दुश्मन चाहे गुफा में छुप जाएं, चाहे गहराई में छुप जाएं, भारत के दुश्मन कहीं भी छुप जाएं, इंडियन नेवी के इस विमान से नहीं बच सकते हैं। इंडियन नेवी की निगरानी क्षमता में और इजाफा हो चुका है। नौसेना को बोइंग पोसेडाइन 81 पेट्रोल और रिफाइनसेस एयरक्राफ्ट की दूसरी स्क्वाड्रन गोवा स्थित INS हंसा पर तैनात कर दी गई है। इसमें 2 नए पोसेडाइन विमान शामिल हुए हैं। 4 एयरक्राफ्ट पहले से गोवा में तैनात हैं, 2 अभी और आने वाले हैं। इसके बाद इंडियन नेवी हिंद महासागर में और अरब सागर की ऊपर उड़ान भरने वाले दुश्मनों की हर हरकत की नज़र रख पाएगी। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद पोसेडाइन विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया है, क्लियर इमेज जिसे ली जा सके दुश्मन की। इसका विमान का पहला बैच साल 2013 में आया था, जो अराकोनम स्थित INS रजाली में तैनात है। इसमें 8 विमान हैं। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, नीड है उनको, ताकि अपने आसपास समुद्री और जमीनी सीमाओं पर नज़र अच्छे से रखा जा सके। हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए यह विमान बेहद महत्वपूर्ण है। इस विमान से साल 2013 में अब तक 29,000 घंटे की पूरी उड़ान किए जा चुके हैं। इस उड़ान घंटों में उसने देश की सुरक्षा संबंधित कई जरूरी जानकारियां देश के लिए रक्षा मंत्रालय और सेनाओं और एजेंसियों को दे चुकी हैं। ये जो चीज़ है, बोइंग पोसेडाइन के 4 वेरिएंट दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट P-8A पोसेडाइन इसका सबसे ज़्यादा उपयोगी अमेरिकी नौसेना का ये है, और जो अमेरिका की नौसेना है सबसे ज़्यादा उसका यूज़ भी करती है। PTI नेपट्यून जो है इसका उपयोग इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा करती है, और पोसेडाइन MRA-1 का उपयोग रॉयल एयरफोर्स कर रही है। P-8AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। अब जानते हैं कि इस विमान की खासियत और क्या क्या चीज़ें हैं। इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान हैं, क्रू होते हैं 2, मतलब जो उड़ाने वाले होते हैं वो क्रू 2 होते हैं, बाकी मिशंस के लिए काम करते रहते हैं। ये विमान 9,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 129.5 फीट की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा है। विंग स्पैन 130.6 फीट की होती है, जो इस विंग्स खुलते हैं ना किनारे किनारे के, वो विंग्स स्पैन। और ऊंचाई पे कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, 42 पॉइंट, इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी जो इसकी ऊंचाई है वो 42.1 फीट की। अगर विमान खाली है तो इसका वजन 62,730 किलोग्राम होगा। 62,730 किलोग्राम शायद जो चाइना के पास जहाज है उससे ये कमी है, ठीक है। उसका जो वेट है चाइना वाला उसका ज़्यादा वेट है, लेकिन इसका कम वेट है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 82,820 किलोग्राम हो जाता है। इसे हम 2CF M56-7B27A टर्बोफोन इंजन लगे होते हैं। हर इंजन में 121 किलोटन की ताकत प्रदान की जाती है। इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि चाइना वाले से इसमें ज़्यादा है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बेज रेंज 2,222 किलोमीटर की है। अगर इसे एंटी सबमरीन वारफेयर में शामिल किया जाता है, यह 4 घंटे तक कॉम्बैक्ट जोन में उड़ान भर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यह विमान अधिकतम 8,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई जो है 12.5 किलोमीटर, यानी करीब बोलूँ तो 41,000 फीट बहुत होता। राफेल जो है हमारा वो भी 1,000 फीट की ऊंचाई पर आराम जा सकता है। ये 41,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसमें 11 हाई पॉइंट हथियार लगाए जा सकते हैं। इंटरबिल पर 5 हार्ड पॉइंट और 6 बाहरी हार्ड फेयर लगाए होते हैं। इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जाता है, जैसे AGM-84H का उपयोग किया जाता है, SCLAIM-ER का प्रयोग किया जाता है, AGM-84 का हार्पून का भी प्रयोग किया जाता है, MARK-54 टॉर्पीडो का प्रयोग किया जाता है, माइंस डेप्थ चार्ज, इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम भी लगाया जाता है। इसमें साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए बम भी दागे जा सकते हैं। अरब सागर और हिंद महासागर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंडियन नेवी के लिए तो पैरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी कहीं ना कहीं रखता है, क्योंकि इससे उसको भी मदद मिल जाएगी बहुत ज्यादा। इस विमान में CAE कंपनी का ANASQ-508A मैग्नेटिक एनिमल डिटेक्टर MAD लगाया गया है। साथ ही ग्रीकॉन कॉरपोरेशन का टेक्नीशियन APS-143C और 3 मल्टी मोड आफ्ट रडार जोड़ा गया है। इसके अलावा आमतौर पर इसमें रेतीस्थान API 10 मल्टी मिशन सरफेस सर्च रडार होते हैं, जो कि टारगेट्स को सर्च करते रहते हैं कंटिन्यू। साथ ही AN-24-240 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर शूट और AN-144 एडवांस एयरबोन सेंसर भी लगाए हुए हैं, जो कि इसकी क्षमता को और घातक बना देता है इंडियन नेवी के लिए। और इंडियन नेवी अगर इसको अरब सागर में तैनात कर देती है तो पाकिस्तान का कोई भी जंगी बेड़ा जो भी हिंदुस्तान की सरहद से गुजरेगा छूकर, या हिंदुस्तान की सरहद पर कुछ भी करना चाहेगा, तो बड़ी आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। और अगर उसने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो ये बम भी बिछा सकता है। इंडियन नेवी की इस बढ़ती ताकत पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।